राज्य सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम के तहत इस साल हरियाणा के 25 छात्रों को आईटीआई में प्रवेश मिला है। इसकी सफलता को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुपर 100 कार्यक्रम के तहत कोचिंग सेंटरों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 करने की घोषणा की है। वर्तमान में हरियाणा के पंचकुला और रेवाड़ी में 2 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए कोलैटरल फ्री लोन की सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैसों की कमी के कारण छात्रों की शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े। मनोहर लाल ने आयोजित कार्यक्रम में आईटीआईएंस को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों के माध्यम से कोलैटरल फ्री लोन प्राप्त करने के लिए छात्र को हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है और वह देश में कहीं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ विदेशों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि छात्र या उसके परिवार पर लोन का बोझ ना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ऋण के लिए गारंटी देगी। हालांकि छात्र द्वारा शिक्षा पूरी करने और रोजगार प्राप्त करने के बाद ऋण की अदायगी किश्तों में की जाएगी। देश के प्रमुख संस्थानों में से एक आईटीआई में प्रवेश पाने वाले छात्रों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने छात्रों से समाज, प्रदेश व देश की प्रगति के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इनकी सफलता अन्य छात्रों को भी जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने और सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, जिसके तहत रेवाड़ी और पंचकुला में केंद्र स्थापित किए गए थे। आईटीआई जैसे प्रमुख संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए सरकारी स्कूलों के वंचित मेधावी छात्रों को इन केंद्रों में कोचिंग दी जाती है। सरकारी स्कूल के छात्र जो कक्षा 10वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा और विशेष स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरने के बाद जेई और नीट परीक्षा के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है। छात्रों के छात्रावास, भोजन और स्टेशनरी का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के लिए माहौल तैयार किया है। छात्रों को न केवल गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि उन्हें विशेष कोचिंग भी दी जा रही है, ताकि वे देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में शिक्षा की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं, जिसके तहत बेटियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य में प्रत्येक 15 किलोमीटर की दूरी पर एक महिला कॉलेज की स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने शिक्षा में नो डिस्टेंस पॉलिसी की छात्रों के लिए बड़ी हानि बताते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा की इस प्रणाली का हमेशा विरोध किया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है कि इस वर्ष हरियाणा के 25 छात्रों को आईटीआई में प्रवेश मिला है। उन्होंने कहा कि उनकी उपलब्धि राज्य के अन्य छात्रों को भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने सुपर 100 कार्यक्रम के तहत कोचिंग सेंटरों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। ये सुपर 100 के 2 सेंटर्स हैं, रेवाड़ी और पंचकुला, एक प्रदेश के उस कोने में, एक प्रदेश के इस कोने में। इसे पूरा प्रदेश कवर नहीं होता, तो मैं आज ये घोषणा करता हूँ शिक्षा मंत्री जी के सामने कि इन सेंटर को अगले साल से 4 करेंगे। हमारे पास एक नौजवान साथी मिले जो हमारे बीच में हैं, नवीन मिश्रा। नवीन मिश्रा बिहार के ही रहने वाले हैं। ये स्वयं भी ऑल इंडिया सर्विस की तैयारी की, आपने एग्जाम भी दिए? दो बार ये सिलेक्ट हुए, इंटरव्यू दिया इन्होंने। लेकिन इनके मन में भी कसक थी कि सामान्य परिवारों के बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, तो इन्होंने संपर्क किया। 2-2.5 वर्ष पहले की बात है, तो हमने रेवाड़ी में इनको एक स्थान उपलब्ध कराया कि आप जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको सरकार खर्च करेगी सारा, उसकी तैयारी आप कराइए। इज़ वेरी डेडिकेटेड विद मिशनरी जील, इस प्रकार के व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने मर्जी से वहाँ जो और स्टाफ रखना था वो रखा, और इनके यहाँ 50 बच्चे, उन्होंने तैयारी शुरू की। फिर इसी प्रेरणा को लेकर के एक और व्यवस्था हमारी पंचकुला में बनी, वहाँ भी 50 बच्चों का एक सेंटर। तो ऐसे 2 सेंटर 100 बच्चे 2 साल पहले शुरू किए थे कि इनको तैयारी कराया जाए हायर एजुकेशन में जाने के लिए। जेई के पेपर में सब लोग अपीयर हुए, तो इन दोनों सेंटर से इस बार 23 बच्चे, यानी वो सिलेक्ट होकर के आए हैं, जो IITs में अपने हिसाब से एडमिशन के नाते से वो लोग जाएंगे। उसमें से तैयारी करने के बाद
जैसे आज इन्हीं की प्रेरणा के लिए एक दूसरा बैच जिसे आज हमने परिचय किया वो है ऑल इंडिया सर्विसेज के। हमारे यहाँ से हरियाणा से 40 बच्चे ये सिलेक्ट हुए इस बार, और ये भी हाईएस्ट नंबर इस बार हमारा हुआ। उनमें से भी आज कुछ लोग तो अपने अपने काम के कारण से, किसी ने ज्वाइन करना था, किसी ने अपने अभी रिज़ाइन नहीं किया, अपने फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है क्योंकि परसों तक उन्होंने रिपोर्ट करना है, उसमें से आज 20 ही नौजवान आ पाए जो ऑल इंडिया सर्विसेज में, कोई आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, आईएफएस हैं, तो ऐसे वो लोग आए। और जिसमें से 7 बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटीज में से ही आगे बढ़े हैं, तो 7 बच्चे इन बच्चों की प्रेरणा के केंद्र भी रहे। तो ऐसा हमने एक ज्वाइंट कार्यक्रम आज किया, इनको सबको शुभकामना दी। और जो 2 सेंटर अभी तक हम चला रहे हैं रेवाड़ी के और पंचकूला का, एक एकदम नॉर्थ में, एकदम साउथ में है, हरियाणा का बाकी पोर्शन बाकी है, तो इसकी संख्या भी हमने 4 कर दी है। अब इस प्रकार के सेंटर सफलता को देखते हुए अब ये 4 सेंटर्स होंगे, और उसमें जो बच्चे आना चाहेंगे उनका एक सिलेक्शन करके, प्रोसेस सिलेक्शन काम करते ही हैं, तो 4 सेंटर्स पर उनकी तैयारी कराएंगे 50 बच्चों की, ताकि ये हायर एजुकेशन के लिए जा सके। पहले पंचकुला रेवाड़ी है, बाकी 2 और डिपार्टमेंट को हमने बताए हैं, निश्चित रूप से एक कोई ना कोई पश्चिमी हरियाणा में करेंगे, मध्य हरियाणा में करेंगे, तो उसका स्थान बिल्डिंग के हिसाब से तय कर लेंगे। तो बच्चे सारे हरियाणा के ही सब जगह भेजते हैं, यानी दोनों सुपर 100 के नाम से ही रहेंगे, 50-50 वो स्ट्रेंथ है। हाँ, नाम वही रहेगा सुपर 100, लेकिन कुल मिला के 200 बच्चों की तैयारी होगी। प्रदेश में स्कूलों को खोलने की क्या व्यवस्था है? एक तो 2 हैं, हाई स्कूल होंगे, दसवीं का है, दसवीं से 12वीं का है, बता। उसके बारे में अभी हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे 15 तारीख के लिए बात हुई है, लेकिन उसकी हमने तैयारी की है अभी, और जल्दी हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे जिस तरह से खोल लेंगे। पहले जो बड़ी क्लासें हैं उनके हमने खोल रखी है। राहुल गांधी जो है हरियाणा आए, हरियाणा के दौरे पर, उनके इस दौरे को कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने लगातार मन से एक ही बात कही कि हरियाणा की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, किसानों के आंदोलनों के खिलाफ इस तरीके के षड्यंत्र कर रही है, काले कानून लेकर आ रही है। आप राहुल गांधी और कांग्रेस के इस पूरे प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं कांग्रेस के इतिहास में जाता हूँ तो 130-135 साल पुरानी ये पार्टी है, और जब तक ये सत्ता में रहे तब तक उसको भोगते रहे। जब से ये सत्ता से बाहर हुए हैं तब से दूसरी पार्टियां जो सत्ता में आती हैं उनको हमेशा ये हवा दिखाते रहे, डर दिखाते रहे, जैसे भूत प्रेत का डर दिखाया जाता ना कि भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी ये भूत प्रेत से डराने वाली ये पार्टी। अगर मैं उदाहरण देता हूँ तो जब 370 खत्म करने की बात आई थी तो इन्होंने कहा कि 370 खत्म होते ही कश्मीर के अंदर कत्लेआम हो जाएगा। 1 साल हो गया 370 खत्म हुए, जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ? वही पवित्र नदियां, चनाब, रावी का पानी, झेलम, ये सब जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, बह रही हैं, और वहाँ के आदमी अमन चैन से रह रहे हैं, आतंकवाद प्राय प्राय समाप्त हो गया। जब CAA की बात आई, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उस समय भी उन्होंने कहा कि जैसे ये पास हो जाएगा मुसलमानों का नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, उनको अधिकार ही नहीं रहेगा, भाग जाएंगे। जबकि वो 4-5 ऐसे वर्गों के लिए वो कानून बनाया गया था कि जिनको वहाँ दूसरे देशों में, खास करके बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में उनका रहना दूभर है, वो अगर भारतवर्ष में आते हैं तो उनको हम नागरिकता देंगे। हिंदू है, जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, कोई मुसलमान का तो उसमें लेना देना था भी नहीं। लेकिन इन्होंने हुआ कितना दिखाया, कितने आंदोलन को सपोर्ट किया, ये सब करते रहना। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे तो ये परमाणु हथियार का उपयोग कर देंगे। इतना डर इन्होंने पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने का बैठा रखा था कि उनकी सहायता ये कर देगा, उनकी सहायता वो कर देगा, युद्ध हो जाएगा, कभी नहीं कर पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद वो सारा भ्रम दूर कर दिया। आज पाकिस्तान अपनी औकात में है, किसी प्रकार का कोई उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कुछ करने की, चाहे चाइना के साथ सहारा कर ले ले, चाहे कुछ भी कर ले, चाइना का डर दिखाते रहिए। ये इनकी भूत प्रेत की दिखाने की आदत गई नहीं है,
अभी भी ये जो तीन कानून हैं, इन तीन कानूनों के बनने के बाद आज भी क्या डराते हैं कि किसान का MSP खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज सारी मंडियां ठीक से चल रही हैं, सबको MSP मिल रहा है, चाहे धान है, चाहे बाजरा है, चाहे मक्का है। और जो धान जो बाजरा आज हम प्रोक्योर कर रहे हैं, एक 5-5 मंडियां ये राजस्थान की और पंजाब की जाकर छांट लें कि हमारा बाजरा बिक रहा है क्या। बेकदरी 1150-1250 रुपए से ऊपर बाजरा नहीं बिक रहा हुआ, हमारे यहाँ 2150 बिक रहा है, क्यों नहीं मुकाबला करते। तो केवल हवा दिखाना इनका काम है, भोली भाली जनता को बरगलाने के फार्मूले इनके पास आते हैं। और अब तो हरियाणा का किसान समझ चुका है, कल दो इन्होंने कार्यक्रम किए, एक जगह 500, एक जगह 800, यही संख्या रही ना, क्या तीर तोड़ लिए इन्होंने, कितना हुआ दिखाया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हरियाणा का किसान समझदार है, उनको पता है आज सब जगह मंडियां, परचेज सेंटर्स, ऑनलाइन सारे सिस्टम है, घर बैठे उसको सूचना मिलती है आपको इस समय आना, इस समय नहीं आना। छोटी मोटी टीलिंग प्रॉब्लम शुरू में 4-5 दिन होती हैं, वो हर समय हर बार होती हैं। कोशिश करेंगे कि अगली बार ये सारा सिस्टम और स्टेबलिज हो जाए, किसान को सीधी पेमेंट ये देने का हमने काम किया ताकि वो आढ़तियों के उस प्रकार के सारे सिस्टम में से बाहर निकले, अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी आमदनी बढ़ाए, किसान की डबल आय करने का हमारा ये काम है। और हमने अभी 2 दिन पहले करनाल के अंदर कार्यक्रम किया प्रगतिशील किसानों का, बड़ी योजनाएं घोषणा की है वहाँ, और प्रगतिशील किसानों का आह्वान भी किया है कि वो इस विषय को लेकर के आगे आए और किसानों को, छोटे किसानों को संभालें। सरकार के साथ साथ पब्लिक का पार्टिसिपेशन कराना ये भी जरूरी है, तो ये सब कर रहे हैं। आए थे कल वो लोग, तो अब क्योंकि कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से भर्ती जो करनी थी वो हो गई है, उसका एग्जाम हो गया है, और उसमें से लगभग 200 लोग, 225 लोग उन पुराने लोगों में से आए हैं, बाकी नए लोग आए हैं। अब बाकी लोग जो बचे हैं तो ऐसे लोगों का विचार करेंगे, उनको कोई ना कोई काम की व्यवस्था कोई बन जाए। नौकरी उनके लिए वैसे ही कोई ज्वाइन कराने वाली नहीं है, लेकिन कोई व्यवस्था जैसे एडोक बेसिस पर होता है, कोई आउटसोर्सिंग होती है कुछ, ताकि उनके परिवार चलते रहें, ऐसा एडजस्टमेंट कोई ना कोई करें। देखिए, कुछ आढ़तियों के मिल ओनर्स के कुछ इश्यूज थे, और जितने इशू थे वो सारे 17 इशूज तो मिल ओनर्स वाले वो हमको देखे गए, उसमें एक बात को छोड़ करके बाकी सारे हमने बात मान ली कि ट्रांसपोर्टेशन का काम अलग रहेगा, उसका जो पहले से ट्रांसपोर्टर्स का काम कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, वो मिल ओनर्स को नहीं मिलेगा। गाड़ियां कम पड़ेंगी तो मिल ओनर्स की भी ली जा सकती हैं, वो डिप्टी कमिश्नर को नोडल अधिकारी बना दिया, वो काम चल पड़ा है, कोई कठिनाई नहीं है। आड़तियों की कठिनाई जरूर है क्योंकि उनका आड़तियों से संबंध है, स्वयं भी वो एक आड़ती हैं, और आड़तियों की कठिनाई इसलिए स्वाभाविक है कि नई व्यवस्था में किसान को एक स्वतंत्रता देने का काम, अपने पैरों पर खड़ा होने का काम जो कहा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक बार तो आड़तियों के काम में असर पड़ेगा। और आड़तियों से जो हमारी बातचीत हुई थी, हमने उनको भी कहा था कि आपका व्यापार न घटे इसके लिए हमने कमेटी बनाई है, संजीव कौशल जी के देखरेख में 3 लोगों की कमेटी, कि आपको और किस प्रकार के काम के छूट दी जा सकती है मंडी में, ये कमेटी विचार करेगी, और आपकी आमदनी न घटे इसका विचार करेंगे। बात करूंगा मैं उनसे, क्या इशू थे, क्यों दिया, क्या किया, मेरी अभी उनसे सीधी बात नहीं हुई है। नहीं देखिए, अधिकारी तो जो हम कहेंगे अधिकारी वही करेंगे, अधिकारी अपने मन से थोड़ी करते हैं। अब जो टीडिंग प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार अधिकारी के बस में नहीं होती हैं, टेक्निकल चीजें हैं, होटल का विषय है, कई बार कुछ नई व्यवस्थाएं और बनानी पड़ती हैं। अब पिछली बार की व्यवस्था हमने बनाई थी कि अधिकारी को सारी पेमेंट दी जाएगी और फिर अधिकारी कंसेंट लेगा किसान से, बाकी पेमेंट किसान को अधिकारी, वो जो अपना आड़ती जो है वो वाया एक कॉमन अकाउंट था, पुलिंग अकाउंट के थ्रू भेजेगा। इस बार हमने व्यवस्था दूसरी की है कि जो किसान अपने अकाउंट में चाहता है सीधा सरकार उसके अकाउंट में भेजेगी, वो आड़ती के थ्रू नहीं जाएगी। जो किसान के आड़ती के थ्रू जाता है वो आड़ती किसान से काट करके उसको सीधा पैसा RTGS के द्वारा दे,
एक व्यवस्था नहीं बनाई है। अब हो सकता है कोई ऐसा विषय जो आड़तियों के संदर्भ का उनको पसंद ना आया हो और वो उसके जिम्मेदार पी के दास को मान रहे हों, ये मानना ठीक नहीं है। ये एक सपना लेने जैसी बात है कि कांग्रेस के नेता वो एक होकर के चल पड़ेंगे। उनके यहाँ तो लड़ाई वही है, वो किसी जनता हित के लिए लड़ते हैं ऐसा नहीं है, वो अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, उसी अंध दौड़ में लगे रहते हैं और इसी कारण से कांग्रेस की हालत हुई है। कांग्रेस अगर जनता के लिए काम करे तो कभी ना कभी संभावना ये हो सकती है कि लोकतंत्र में दोबारा आने का चांस उसको मिल सकता है, लेकिन ना उन्होंने जनता की लड़ाई लड़नी और ना कभी ऐसा उनको ये दिन देखने को मिलेगा कि कांग्रेस दोबारा से कभी सत्ता में आएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.